हमारी आवाज़ को पहुँचाएंगे और मैं सभी जो लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं, शरीक हुए हैं हुजूर के इश्क के अंदर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम बरादरियों का, खुद्दाम साहिबान का, अंदरगोड़ी पंचायत का, तमाम पंचायतों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबने खामोशी के साथ जिस तरह से हमने चाहा था मौन जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से उस ढंग से जो है यहाँ तक आए और किसी चीज़ की कोई ऐसी बात नहीं। और एक अपील और करता हूँ मैं कि जिस तरह से हम यहाँ खामोशी के साथ शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर आए हैं और जलसे को कामयाब बनाया है, इसी तरह से अपने अपने घरों में आप लोग जाएँ और जिस रास्ते से आए खामोशी के साथ उसी रास्ते से वापस आएँ। उनके आ जाओ भाई, लाओ जल्दी आओ भाई, तमाम मसलक के लोग शिया सभी इसमें शरीक हैं। लो साहब इस पर साइन कर दो फटाफट, देते हैं आपकी वजह से रुका हुआ, साइन कर दो देते हैं। सही कर लेना, इधर लो इधर लो। मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर एक मौन शांति जुलूस के रूप में कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन के अंदर हमने भारत सरकार से उन बीजेपी के तर्जुमान की तरफ से जो गुस्ताखाना बयान सरकार अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किए गए थे उन की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की गई है और कलेक्टर साहब से ये दरख्वास्त की गई है कि आप हमारी आवाज़ को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द उन दोनों नुमाइंदों की तर्जुमानों की गिरफ्तारी की जाए। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी से हमारी ये दरख्वास्त की गई है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर अमन अमान कायम करना है और शांतिपूर्वक ढंग से हमारे मज़हब के ऊपर जो आँच आई है, जो शान में गुस्ताखी की गई है जिस तर्जुमान ने, उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार कीजिए। क्योंकि मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, मुकदमे दर्ज होने के बाद भी कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है और प्रधानमंत्री की जानिब से कोई भी बयान नहीं आया है। इसके लिए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत गम और गुस्से में हैं, लिहाजा इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की छवि ख़राब हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क का दर्जा कम हो रहा है। जो विश्व गुरु बनने का मोदी साहब का सपना था, उससे कहीं हम बहुत पीछे चले गए हैं। लिहाजा ये जल्द से जल्द गिरफ़्तारी हो जाए,
तो तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बेचैनी और बेकरारी की कैफियत में हैं वो शांत हो जाए। जी जनाब ये बताइए जुलूस, मौन जुलूस जो निकाला गया कहाँ कहाँ होते हुए कलेक्टर पहुँचा? ये मौन जुलूस दरगाह बाजार से रवाना होकर दहली गेट से सोनी जी की नसिया से होते हुए पेट्रोल पंप से लेकर के आगरा गेट पेट्रोल पंप से लेकर के कलेक्टर साहब के दफ्तर में पहुंचा है। ठीक है, निकाला गया और किन की ओर से निकाला गया? देखिए आज हमारे शहर काजी जनाब तौसीफ अहमद साहब ने इस एहतजाजी जलसे का कॉल किया था, जिसको शहर के तमाम पंचायतों ने और साहिब सज्जादा बारगाह करी नवाज ने भी सपोर्ट किया है। शहर के और अतराफ के आसपास के जो गांव वहां के तमाम मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, इवन हमारे शहर के दुकानदारों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आज ये एहतजाजी जलसा तौसीफ अहमद साहब की क़यादत में यहां तक पहुंचा है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति जी के नाम पर कि नुपुर शर्मा ने जो नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया है बारगाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसमें FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों पूरे दुनिया के लोगों के दिल आज़ारी हुई है और ये जो बात जिसकी हरकत हुई है नाजेबा, इसकी वजह से हमारे मुल्क की विश्व में छवि ख़राब हुई है। तो बेहतर ये है कि इसको गिरफ्तारी कर करके इस विवाद पे विराम लगाया जाए। हम लोगों ने डिमांड की है मोदी साहब से, राष्ट्रपति जी से, कि इस मुल्क के अमन व अमान के लिए हम सब आपके साथ हैं। सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी, लेकिन सबका सम्मान भी होना ज़रूरी है और हर मज़हब के रहनुमाओं का सम्मान होना चाहिए। इस पर कानून बनना चाहिए, कोई भी किसी मज़हब के ऊपर उंगली ना उठाए, कोई भी किसी मज़हब के रहनुमाओं पे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल ना करे। इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को सौंपा है, वो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।